यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस बेडरॉक के ट्रैप में से बाहर आ गया था, और बाहर आते ही मेरी इन सबसे फाइट होने लग जाती है, और उस फाइट के बीच में मैं जीनू और मीकू को मार के उनके एक एक हार्ट ले लेता हूँ। और मेरी ऋषिका से भी बहुत ज्यादा देर तक फाइट चलती है, लेकिन वो अपना 143 IQ लगा के अपनी सारी की सारी फ्रेंड के हार्ट ले लेती है, और फिर तो उसको हराना एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा देर तक फाइट करने की वजह से मेरा सारा का सारा आर्मर टूट जाता है, तो मैं उनके घर पे जाता हूँ और उनकी चेस्ट से बहुत बढ़िया बढ़िया सामान ले लेता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लड़कियां डिस्कॉर्ड में बैठ के माइनक्राफ्ट खेलती हैं, और इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ट्रैप बनाया और मुझे उसके अंदर फिर से फंसा दिया। लेकिन मुझे इस चीज की भनक लग गई थी, इसीलिए मैं वहां से एस्केप करने की सारी प्लानिंग करके बैठा था, और वो लोग मेरे ऊपर लावा डाल देते हैं। फिर मुझे लग रहा था कि मेरा प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, बट एट दी एंड सब कुछ सही रहता है और मैं वहां से एस्केप कर जाता हूँ। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना कि मैंने ये सब प्लानिंग कब बनाई? आओ दिखाता हूँ। इसकी भैंस के टांगी ऋषिका की बच्ची फिर आ गई। इसको तो इस बार भाई मैं छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने मिलकर मेरे को बहुत ही ज्यादा गंदे वाले ट्रैप के अंदर फंसाया था। ओ भाई साहब, बहुत ही ज्यादा गंदा डैमेज आ रहा है। इसके पास तो बहुत तगड़ी वाली सॉर्ड है। मैं पता नहीं इसको हरा पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा ट्राई करेंगे इसको हराने का। और भाई ये बचेगी नहीं इन लोग से, मैं तो पूरा बदला लूंगा भाई। ओ भाई साहब, क्या गंदा डैमेज गया यार। ओ शिट, इसकी ऐसी की तैसी। भाई भाई भाई, अब तो भागना पड़ेगा यार। अब मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मैं यहाँ से ना एंडर पल मार के भागता हूँ, और फिर मैं कुछ प्लान बनाऊंगा इन लोग से बचने के लिए। और यहाँ पर ऋषिका ही अकेली दिख रही है, इसका मतलब बाकी इसकी फ्रेंड कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रही है। और जहां तक मेरी नॉलेज है ना, ये जरूर से कुछ ना कुछ ट्रैप बना रही होंगी मेरे लिए, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। तो उस ट्रैप से बचने के लिए ना मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बढ़िया वाला आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, एंडर पल चैम्बर बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है दिन, और जब रात होगी तब मैं ऑटोमेटिकली अपने चैम्बर के पास मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और अगर इन लोगों ने कोई ट्रैप बनाया होगा तो वहां से मैं इजीली एस्केप कर जाऊंगा। तो ये सामने वाला घर एकदम बढ़िया लग रहा है चैम्बर बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे जाके अपनी पूरी की पूरी मशीन को सेटअप कर देता हूँ। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक भी बार ये वाला चैम्बर बना के नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पता नहीं यार ये वर्क करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा ही भयंकर डर लग रहा है, फिर भी जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं पूरा एकदम इसको अच्छे से बनाऊंगा। बूम, अब बस ये वर्क कर जाए। अभी मुझे पता नहीं है यार ये वर्क करेगा या नहीं, लेकिन मैंने एकदम परफेक्टली बनाया है इसको। तो चलो अभी इन लोग से फाइट करने के लिए चलते हैं। तो अभी आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। ओ भाई साहब, बच गया यार, फाइनली अपना चैम्बर वर्क कर गया। मेरे को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वर्क करने वाला है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं, और इन लोग को अभी तक तो पता पड़ ही गया होगा कि मैं यहाँ से एस्केप कर गया हूँ। और भाई इन लोग का जो ही कटने वाला है ना, असली वाला स्वाद आएगा अपने को। और ये क्या मैसेज कर रही है, ये मरा क्यों नहीं अभी तक? इनके लिए तो मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला ट्रैप बनाऊंगा, और इनको ऐसा वाला फंसाऊंगा ना कि इन्होंने सोची ना होगी। तो उससे पहले ना हम लोग को इन पे नजर रखनी पड़ेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो यार मैं यहाँ पे छुप के ना इन लोग के ऊपर नजर रखता हूँ, इनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। और भाई ये लोग दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं किधर चले गए हैं। मेरे को लगता है यहाँ से एकदम प्रॉपर व्यू आ नहीं रहा है, या फिर पता नहीं ये लोग क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना आगे जाके देखता हूँ, क्या पता आगे से ये लोग अच्छे से दिखने लग जाएं। सो इस घर के अंदर छुप के हम लोग देखने वाले हैं। ओ भाई इसका मैसेज आया, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? तो मैं यहाँ के ब्लॉक हटा देता हूँ, और यहाँ से अच्छा वाला एंगल आएगा। अभी तक मरा क्यों नहीं? इस ऋषिका की बच्ची को तो अपन बताएंगे। भाई ये कुछ ज्यादा ही प्रो है, इससे लड़ने में भाई जो ही गंदा वाला टाइम गया था ना पिछले बार, पूरा भाई इससे बदला लेंगे। चलो अब ढूंढते हैं, अरे गया कहाँ? गाइस ये लोग कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको बिल्कुल भी शक नहीं है कि मैं कहाँ पे गया हूँ, क्योंकि मैंने ट्रिक ही ऐसी लगाई थी। भाई ये मीकू साली चली गई। भाई मीकू कहाँ चली गई यार? मीकू से सबसे ज्यादा बदला लेना था अपने को, क्योंकि उसने अपने को धोखा दिया था भाई। छोटी, अरे यार भैंस की टांग, मैं कहाँ आ गया यार? कितने टॉक्सिक लोग हैं यार ये। तो यार पता नहीं मीकू कहाँ चली गई है, अपने को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मीकू आके इन लोग को बचा ना ले, क्योंकि भाई हर बार यही हो जाता है, ये मीकू लास्ट टाइम पे आके एकदम बाजी पलट देती है। तो वहां से भी कुछ नहीं दिख रहा है यार, मैं थोड़ा सा ना आगे जाके देखता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दूर से कोई भी चीज रेंडर नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा पास में आके देखते हैं। यस भाई सही कह रहा था मैं, देखो पांडा रेंडर होने लगी और ये लोग भी मेरे को दिख रहे हैं। भाई साहब मेरे को छुप के रहना पड़ेगा, ये लोग मेरे को देख ना ले। ये भाई ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि मैं किधर गया हूँ। ओके गाइस ये लोग इस साइड नहीं आ रहे हैं, ये शायद दूसरी साइड ही जा रहे हैं। चलो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे को ये जाती हुई दिख तो रही है। प्लीज इस साइड मत आना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई साहब ये लोग इस साइड नहीं आ रहे, लेट्स गो। यही चीज का तो मेरे को इंतजार था भाई। तो अभी भी मैं एकदम से नहीं जाऊंगा, मैं इधर से ना थोड़ा ध्यान से जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है ये लोग लौट के आ गए तो भाई गलत सीन हो जाएगा। कहाँ गया वो? तो भाई मेरे को लग रहा है ये लोग दूर जा चुके हैं, और अब ये लोग वापस नहीं आने वाले इतनी जल्दी। ये लोग मेरे को ढूंढेंगे, मैं जल्दी से इनके घर में घुस जाता हूँ और भाई साहब पूरा सामान ले लूंगा और इनके घर की वाट लगा दूंगा। इस बार नहीं गिरने वाला भाई इस ट्रैप के अंदर, दो बार फंसा चुका है
ट्रैप। भाई साहब इन लोग का घर तो पूरा जल के राख हो चुका है, जैसा पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और भाई इनकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त सामान है, मैं अपना कचरा इसके अंदर भर देता हूँ और डायमंड का आर्मर ले देता हूँ, क्योंकि मेरा नेदरराइट का आर्मर पूरा का पूरा टूट चुका है। और भाई वेट अ सेकंड, ये क्या चीज है, एक्स्ट्रा हार्ट। भाई ये क्या चीज है, ये तो मैंने अभी तक देखी नहीं है यार, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई ये है क्या, मैं जल्दी से आर्मर पहन लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो मेरा पुराना वाला आर्मर बिल्कुल टूट चुका है, और अपनी इन्वेंटरी को एकदम अच्छे से सेट कर लेते हैं। लेकिन यार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि ये एक्स्ट्रा हार्ट वाली चीज है क्या, मेरे को लग रहा है इससे अपने हार्ट इंक्रीज होंगे, लेकिन होंगे कैसे। ओ भाई लेफ्ट क्लिक करने से भाई हार्ट इंक्रीज हो रहे हैं। ओ शिट भाई 19 हार्ट हो गए, मतलब कि इन लोगों को हार्ट बनाने की भी रेसिपी पता है इनकी, तो भाई मैं बैंड बजाने वाला हूँ। इन लोगों ने कितनी सारी चीजें मेरे से छुपा के रखी हुई है, इसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इनके घर को ब्लास्ट करके वाट लगा देंगे। ओ भाई साहब कितना सारा खाना है, यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा खाना ले देते हैं, इनके लिए एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। भाई इधर भी खाना है यार, कितना सारा खाना भर के रखा हुआ है इन लोगों ने, इतना तो काफी है भाई, अब नहीं ले रहा मैं। और इस चेस्ट के अंदर तो कबाड़ा है भाई, जो कि मेरे काम का नहीं है। मैं इनके घर में पूरा TNT लगा देता हूँ और ब्लास्ट कर दूंगा भाई इनके घर को। भाई ये कैसे, ओह शिट वहाँ पे लीवर लगा हुआ था, ये TNT कैसे फट गया भाई, उन लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए यार। व्हाट, इन लोग के घर के नीचे बेडरॉक लगी हुई है। भाई मैंने कहा था ना इस सर्वर के अंदर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हैं, अभी अपने को कुछ नहीं पता है। तो यार ऐसे ही करा दो, ये लोग आने वाले होंगे, मैं जल्दी से इनके घर को पूरा का पूरा ब्लास्ट करने की तैयारी कर देता हूँ। यहाँ पे पूरे के पूरे TNT भर डालूंगा भाई, इनकी वाट में लगाऊंगा। इनका जब घर ही नहीं रहेगा ना, तब इनको समझ में आएगी इन लोगों ने किस बंदे से पंगा लिया। एक एक ब्लॉक उड़ा दूंगा भाई, इस घर का एक ब्लॉक भी नहीं बचेगा। ओ भाई साहब एंचेंटमेंट बुक प्रोटेक्शन 4, लेट्स गो भाई, इसको भी उठा लेते हैं, ये अपने आर्मर पे लगाने के लिए काम में आएगी, क्योंकि अभी मेरे आर्मर पे एक भी एंचेंटमेंट नहीं है। पूरे के पूरे 64 TNT में यहाँ पे लगा के जाने वाला हूँ, एक भी TNT बचा के नहीं लेके जाऊंगा। इतने TNT सेट काफी होने चाहिए इनके घर को उड़ाने के लिए। तो ओके गाइस, मैं अभी फ्लिंट एंड स्टील से इनके घर को इग्नाइट कर लेता हूँ। लेट को भाई भागते हैं, क्योंकि मैं ना मर जाऊँ मेरे को बहुत ज्यादा डर उसी बात का लग रहा है। ओ भाई साहब क्या ही गंदा वाला ब्लास्ट हुआ, लेकिन इनका घर अभी भी बचा हुआ है। मैं यहाँ से भागता हूँ, मेरे को लग रहा है वो लोग आने ही वाले होंगे। अपनी जान ज्यादा प्यारी है भाई, इनके घर को बचा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना हो सकता था मैंने पूरा का पूरा ब्लास्ट कर ही दिया है। और यार एक सेकंड, यहाँ पे ना थोड़े से लकड़ी के ब्लॉक बचे हुए हैं, मेरे पास लावा बकेट है, मैं इसको जला के ही जाऊंगा। भाई मुझे इनके ऊपर ना इतनी भयंकर गुस्सा आ रही है कि मेरा मन मान नहीं रहा है कि इनका घर एकदम अच्छे से छोड़ के जाएं, पूरा एकदम राख करके जाएंगे भाई। चलो घर, भाई ये लोग आने वाले हैं, लेट्स गो। जल्दी से मैं यहाँ पे लावा डाल के भागता हूँ भाई, बचना नहीं चाहिए इनका घर। आओ ये लोग आने वाले होंगे यार, यहाँ पे डालूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इधर पे डाल देता हूँ, लेट्स गो। अभी हम लोग यहाँ से भागते हैं। भाग गया नूबड़ा इनकी भैंस की। ओ शिट भाई ये लोग आ गए, इनको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। ओ भाई साहब गिर गया गलती से, शिट भागो 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 भाई भागो। ओ शिट भाई यार गलती से गिर गया। मैं जल्दी से गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ, शायद भाई वो मेरे पीछे ही आने में लगी हुई है, मुझे नहीं पता भाई, पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता अभी मैं। और ये दिनों का क्या मैसेज आया, अरे घर किसने जलाया, अभी आएगा ना मजा भाई, अभी इन लोग को एकदम बुरा लग रहा होगा, इनसे भाई ऐसे ही बदला लूंगा। इधर आ, ये बुला रही है भाई, अभी मैं जल्दी से अपना ट्रैप को सेटअप करके आता हूँ और फिर इन लोगों से बदला लूंगा मैं। अरे ऋषि भाई मेरी बात सुनो। क्या हुआ चिंटू, मेरे को वीडियो बनाने दे, क्यों परेशान कर रहा है। अरे ऋषि भाई तुम वीडियो ही बनाते रहोगे, तुम्हारे 100 के कंप्लीट हो गए भाई। तो यार थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। अभी यार तुम लोग ना कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को 100 के स्पेशल के लिए क्या चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग Q&A करते हैं, तो यार मेरे को कमेंट में बताना कि Q&A करना चाहिए या फिर नहीं। ऋषि भाई पार्टी दो ना, पार्टी दो ना। रख रख तेरी माँ की रख। तो ओके गाइस, मैं पूरा का पूरा ट्रैप सेटअप करके आ चुका हूँ। और भाई ये क्या मैसेज आया, यहाँ पर है। ओ भाई सब इन लोगों ने मेरे को देख लिया, लेकिन भाई अभी मैं इन लोग से ना लड़ूंगा नहीं, इनको मैं एकदम इकट्ठा लेके आता हूँ, क्योंकि वो ट्रैप एक ही बार वर्क करने वाला है। और भाई ये क्या बोल रही है मम्मी, भाई ये इधर ही खड़ी रहेगी क्या, जल्दी आए यार, पता नहीं कब आएगी। तो अभी ना मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस भागना है और इन लोगों का ना टाइम कंज्यूम करना है। और जब ये दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे ना, तब फिर मैं इन लोग को ट्रैप के पास में लेके जाऊंगा। अब तो गया ये नूबड़ा, आज आजा तेरी भैंस की टांग, तेरा भूत तो मैं उतारूंगा। ज्यादा चालू बन रही थी भाई, इसको तो ऐसा होकेंगे ना। कंट्रोल यार नहीं होता कंट्रोल, कैसे करूं ऐसे कंट्रोल में कैसे। तो ओके गाइस, ये दोनों के दोनों साथ में आ चुके हैं। और अभी भाई तुम लोग देख सकते हो, ये जो मैंने ब्लॉक लगा के रखे है ना, इसी के बीच में मैंने ट्रैप बना के रखा हुआ है। तो अभी मैं इन लोग को गोल गोल घुमाता हूँ, इनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। और फिर सही मौका देखते ही मैं ट्रैप को एक्टिवेट कर दूंगा। ओ भाई सब जल्दी से मैं इस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता हूँ, लेट्स गो। भाई क्या ही सही टाइम पे ट्रैप एक्टिवेट हुआ है, ये मेरे को मारने के लिए आने वाली थी। अभी नीचे जाके ये लोग मजे कर रहे होंगे, अभी मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ और मैं तुम लोगों ना नीचे से व्यू दिखाऊंगा। मैंने प्रॉपर एकदम रूम बना के रखा हुआ है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग कैसे तड़प रहे हैं। और पहले तो ऊपर से चेक
कर लेता हूँ, ये लोग भाग तो नहीं रहे। यस, ये लोग एकदम फंस चुके हैं भाई ट्रैप के अंदर। ये इतना ज्यादा मस्त ट्रैप है ना, तुम लोग भी अगर देखोगे ना बोलोगे भाई क्या ही बिग ब्रेन स्ट्रेटेजी यूज करी है। तो यहाँ से कहीं पे रास्ता है उस ट्रैप के नीचे जाने का? हाँ ये रहा रास्ता, तो अपन लोग जल्दी से नीचे चलते हैं। तो ओके गाइस, तुम लोग देख सकते हो भाई ये लोग क्या ही गंदे तरीके से फंस रखे हैं। इसकी ऐसी की तैसी कांच तोड़ रही है अब, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी ये, क्योंकि भाई ये मैंने बहुत ज्यादा ही कॉबवेब लगा के रखे हुए हैं। 1% भी चांस नहीं है कि ये लोग बच जाएं। और यहाँ पे मैंने इन लोग के लिए एकदम सीक्रेट मैसेज लिख रखा है, और शायद अभी तक इन लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। और ये भाई मैसेज आया, प्लीज छोड़ दो। अभी इन लोग को भाई बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, देखो भाई कैसे तड़प तड़प के मरेंगे। इन लोगों के अंदर आग लगना स्टार्ट हो चुकी है, अब इन लोग दूर से देख के मजे लेंगे। नहीं अब भाई तुम करो कितना नहीं नहीं करना है, तब मुझे भाई इतना ज्यादा परेशान किया था इनको और ज्यादा तड़पा के मारने के लिए ना। मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ से शायद ये लोग कॉबवेब तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। मैं इधर ना पानी डाल देता हूँ। तो गाइस ये लोग ऑब्सीडियन के अंदर फंस चुके हैं, और ये जीनू धीरे धीरे नीचे जाने वाली है। ओके गाइस ये लोग बिल्कुल ऑब्सीडियन के नीचे चले गए हैं। अब भाई ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच सकते, 1% चांस भी नहीं है इन लोग के बचने का। अभी ये नीचे तड़प तड़प के मरेंगे, और अपन लोग ऊपर से देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ू, इनका पूरा का पूरा सामान चला जाएगा, ये लोग बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। भाई मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी इनकी ऐसी की तैसी। देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा चालू लड़कियां। भाई मेरे पास इन लोग के लिए और तुम्हारे लिए बस एक ही मैसेज है, लेजेंड्स डोंट रन फॉर होल्स, दे जस्ट फोकस ऑन देयर गोल्स। और भाई ये ऋषिका की बच्ची मरी क्यों नहीं, इसकी भैंस की टांग, इसको मारने के लिए रुको मैं यहाँ से ऑब्सीडियन तोड़ता हूँ, और इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। इसको इतनी आसान मौत नसीब नहीं होगी, इसको तो भाई अपने हाथों से मारने में जो ही असली आनंद आएगा ना वही अपन लोग लेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं इस लावा के पूल से बाहर निकाल के लेके आता हूँ। मैं नहीं खेलूंगी भाई। हाँ जा मत खेल, किसको खेलाना है तेरे को, भाग यहाँ से। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही कॉबवेब है, यहाँ से मैं थोड़े से कॉबवेब साफ कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मैं ही अटक जा रहा हूँ इन कॉबवेब के अंदर। ओ भाई साहब ये जीरू भी आ चुकी है, लेकिन ये मेरे को मार नहीं रही है, इसीलिए मैं भी इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि भाई पहले से मैं किसी से पंगा नहीं लेता, और अगर कोई मेरे से पंगा लेता है ना तो भाई मैं उसको नंगा कर देता हूँ। ओ भाई साहब ये तो ऊपर पहुंच चुकी है यार, इसने भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाया, लेकिन भाई अपने लिए ही अच्छा है। तो मैं आते ना जल्दी से ब्लॉक लगा के ऊपर पहुंचता हूँ, और इसको फिर अपन लोग बताएंगे, इसकी तो भाई बैंड बजा के रख देंगे। वो भाई साहब ब्लॉक लगा के आ गई इसकी भैंस की टांग, ये ले भाई इसको जल्दी से नीचे गिराना है जिससे कॉबवेब में फंस जाए। ओ भाई फंस गई, अभी मैं इसको मारता हूँ। भाई बहुत ज्यादा चालू बन रही थी भाई ये, इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा तभी असली स्वाद आएगा। फाइनली भाई अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है, अपन ने इसको मार दिया है, अभी अंदर से जो ही तसल्ली मिल रही है ना। तो गाइस मैंने इन लोगों से अपना बदला ले लिया है, अभी मीकू से अपना बदला लेना बाकी है। पता नहीं भाई वो मीकू किधर गई है, और अभी मैं इन लोग को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मीकू से हम लोग बदला लेके रहेंगे। और ये ऋषिका का क्या मैसेज आया, अब मार दिया इसने, अपन लोग इसको मैसेज करके बोलते हैं हा हा मजा आया। और ये जीनू बोल रही है वाह वाह की क्या बात है, इसमें मर के कौन वाह बोलता है भाई। तो मैं एक और मैसेज कर देता हूँ, ज्यादा चालू बन रही थी ये सबकी सब लड़कियां, इतनी मुश्किल से बची थी मैं। हाँ भाई लेकिन यार ये बची तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन अपन लोगों ने इसको मार दिया। तो अभी मैं ना चैट में इन लोगों को नूब लिख देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने भी मेरे को बहुत ज्यादा आलतू फालतू बोला था। और भाई जैसे मैंने नूब लिखा ये जीनू मेरे को मारने के लिए आ गई, ये भाई इतनी बार मर के भी इसको चैन नहीं पड़ी है। रुको एक और बार मारता हूं, तभी इसको समझ में आएगी। देखो भाई मेरे चैम्बर से भाग रही है इसकी ऐसी की तैसी, बचेगी नहीं, एक हिट की बची होगी, क्योंकि एक हिट इसको पहले ही लग चुकी है। बस ऊपर पहुंचते ही बस एक हिट करनी है मेरे को, और इसका एक हार्ट अपने पास आ जाएगा, ये ले। तो ओके गाइस इसको एक और बार मार दिया है। तो यार अभी जाके हम लोग ना मीकू को ढूंढते हैं कि वो चली कहाँ गई है यार इसकी भैंस की टांग। और भाई साहब ये मीकू के साथ कौन आ रहा है भाई, ये कौन बंदा है, और इसका मैसेज भी आया है, गुड्डू नाम है इसका, ये कौन है बे भाई, इसकी ऐसी की जैसी, ये लड़का कहाँ से आ गया सर्वर में, मैं मीकू से पूछता हूँ, ए मीकू ये है कौन। और मीकू बोल रही है तू यहाँ, अबे मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो और कौन यहाँ होगा। और भाई इसकी स्किन देखो भाई कितनी घटिया स्किन लग रही है, एकदम गुंडो जैसी। ए ए भग साले भग भग, अबे इसकी ऐसी की जैसी भाई ये मेरे बगल में क्यों आ रहा है, अबे चिल को दूर हो जा। ओ भाई क्या ही गंदा डैमेज किया, माय न्यू फ्रेंड, अबे न्यू फ्रेंड है तो इसको सर्वर में क्यों बुलाया है भाई, ये तो गर्ल्स ओनली सर्वर है। तुम्हें भगाने के लिए, व्हाट भाई मुझे भगाने के लिए बुलाया, इसकी भैंस की टांग दोनों को पीटूंगा मैं, इनकी गुद्दी में तोड़ू साल, मुझे भगाने के लिए बुलाया है, मुझे भगाओगे हैं। ओ ओ भाई पांच हार्ट, ओ शिट, ओ ओ भाई साहब भागो 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 भाई, गोल्डन एप्पल खा के भागता हूं। इसकी भैंस की टांग भाई क्या डैमेज जा रहा है भाई, जड़ी बूटी खा के आया है क्या भाई, क्या गंदा डैमेज जा रहा है भाई, भागो यार ये तो दो हिट में अपने को खत्म कर देगा, मतलब दो हिट में नहीं मतलब चार हिट में भाई, इसकी भैंस की टांग भाई जब अपने पे 20 आते तब चार हिट में खत्म हो जाएंगे भाई, क्या सही में यार पता नहीं कुछ तो खा के आया है ये, इतना तगड़ा बंदा भाई, भागो यहाँ से, भाग गया तेरी भैंस की टांग, तेरे को तो आके बताऊंगा मैं, मजा आ गया। अबे इसमें क्या मजा है, इसको इसको मैं मजा दूंगा भाई, एक बार मेरे को जानने तो दो भैंस की टांग, इसने इतना गंदा डैमेज दिया कहां से नूबड़ा। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा, चिरकुट है सारे के सारे, भाग यहां से, दिल गार्डन गार्डन हो रही है जी। इस मीकू के गार्डन में मैं जंगली सांड छोड़ दूंगा जो पूरे गार्डन में हक देगा। कोई बात नहीं हम तो नहीं।
तो गाइस इस गुड्डू के बच्चे को तो अपन लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिर गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। बाय बाय। अरे यार भैंस के डंग, ये बाय बाय बोलने में कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। अब से कुछ अपन लोग नया बोलते हैं। तो फिर गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। बुई बुई। जान दे देंगे इसके लिए।